<laughs> आज एक बार और हो गया था प्रॉब्लम ठीक है देखो जी सुनाई सभी को साउंड आ रहा जल्दी बताओ यस और नो ठीक है वर्णिका का एक पहले भी पढ़ चुके हैं साउंड आ रहा है आपके पास जल्दी बताइए yes no? प्रॉपर साउंड आ रहा है ठीक है पहले सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कर लीजिए आज हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। जिसका नाम है बच्चों विश्वास क्या नाम है ये नहीं होगा सॉरी बच्चों आज संपूर्ण अर्थ होगा हो हाँ, फट जितना जल्दी हो सके, कम, कम बच्चों अपना परिवार फोर के तक तो लाइव होना चाहिए तो जल्दी जल्दी से फटाफट शेयर कीजिए जितने भी फ्रेंड्स है सभी के पास टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कीजिए आज का मोटिवेशन सुनना बच्चों मोटिवेशन है अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं क्या रखते हैं बच्चों सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग पॉजिटिव रहते हो जल्दी बताओ हाँ या ना क्या आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहते हो जल्दी बताओ हाँ या ना ठीक है बच्चों जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं हमें लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए देखो आ, हम एक बार आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं अगर आप जीवन में अच्छा सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा पहले बच्चों एक बार आप मुझे फिर से बताएं आपके हिंदी में कितने मार्क्स का आपने लक्ष्य रखा है आपका हिंदी में कितने का लक्ष्य है एक बार मुझे बताएं आ, मेरे ख्याल से बच्चों सबका सौ बटा सौ होना चाहिए कितने का टारगेट रखा है आपने हिंदी में जल्दी से आई एम ए न्यू स्टूडेंट सबका स्वागत है सभी का स्वागत है जितने भी नए छात्र हैं सभी दोस्तों में बार सब लोग क्लास को से जल से जल्दी तो प्यारे बच्चों हिंदी में आपका हंड्रेड बटा हंड्रेड का जो आपका लक्ष्य है ये पूरा होगा अगर आप क्लास अच्छे से करोगे प्यारे बच्चों मन से पढ़ोगे हो जाएगा ठीक है बताओ आपका सपना कितना है बच्चों कम से कम आपका सपना क्या होना चाहिए गुरु जी हमारा सपना है ड्रीम फोर फिफ्टी प्लस बच्चों हमारा सपना है ड्रीम फोर फिफ्टी ठीक है ना 450 प्लस मार्क्स का अपना आपका सपना होना चाहिए तभी आप बच्चों बेहतर कर पाओगे ठीक है ना सभी दोस्तों में फटाफट से शेयर करना आप लोग अब जल्दी से बताओ कि वर्णिका जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णिका में देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा अभी अभी तो मैं हम लोग ठीक करेंगे धीरे धीरे स्टेटों में वर्णिका में कुल चैप्टर्स कितने जल्दी बताओ कुल चैप्टर्स की संख्या वर्णिका में कितनी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एहसर साउंड बहुत कम आ रहा है हेलो जी हेलो 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 साउंड कहीं से बढ़ सकता है क्या हेलो जी साउंड कम आ रहा है बढ़ाने का है क्या कोई ऑप्शन हाँ वॉल्यूम बढ़ा दो बढ़ा दो जी देखो तो ठीक है है ना चलो ठीक है देखो जी साउंड अब प्रॉपर आ रहा होगा कुल चैप्टर्स की संख्या अगर देखें बच्चा तो कुल पांच चैप्टर ना हिंदी वर्णिका में कुल पांच चैप्टर हैं इसके पहले वाले चैप्टर का नाम क्या था फर्स्ट वाले का नाम था दही वाली मंगम्मा बच्चों क्या था दही वाली मंगम्मा इसका पहला चैप्टर था इतने बच्चों ने उस चैप्टर को पढ़ा है जल्दी बताओ है ना कितने बच्चों ने पढ़ा है जल्दी बताओ यस यस सर हमने पढ़ लिया है दही वाली मगम्मा इसके पहले वाला चैप्टर था एक बच्चा सात चैप्टर कह रहा है <laughs> ठीक है कह रहा सर सात चैप्टर है सात नहीं है है ना पांच ही चैप्टर हैं बच्चों ठीक है इसके पहले वाले चैप्टर का नाम था दही वाली मगम्मा हमने दो वीडियो में उसे कराया था एक में प्यारे बच्चों आपको अर्थ बताया था और एक में हमने उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया था इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों जिसका नाम है ढहते विश्वास ढहते विश्वास है ना चैप्टर नंबर दूसरा है ढहते विश्वास चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं अगर आपने कभी पढ़ा है तो मुझे बताना सबसे पहली बात बच्चों ये जो ढहते विश्वास हैं इसके लेखक कौन हैं यानी कि इसके कहानीकार कौन है सबसे पहला अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके कहानीकार कौन है सबसे पहला क्वेश्चन कि इसके कहानीकार कौन है बताएगा कोई बताओ इसके कहानीकार कौन है ढहते विश्वास हाँ तो बच्चों इसका एक हम लोग ट्रिक पढ़ते थे कि ढहते विश्वास जो है इसके कहानीकार कौन है तो कहते हैं बच्चों किसी का जो विश्वास है ना वो एक दिन में नहीं ढहता है एक दिन में नहीं ढहता है बोलो कितना दिन लगता है दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन छः दिन सात दिन सात दिन लगता है बच्चों ठीक है तो इसका नाम है सात कोड़ी होता क्या नाम है सात कोड़ी होता अगर आपसे पूछा जाए ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है तो कहना बच्चों सात कोड़ी होता अगर आपसे ये पूछा जाए सात कोड़ी होता जो कहानीकार है वो किस भाषा के हैं देखो मैं लिख के लाऊंगा तो याद नहीं होगा मैं यहाँ लिखूंगा तो याद होगा किस भाषा के हैं जल्दी बताओ तेजी में कमेंट बॉक्स में फटाफट किस भाषा के हैं तो कहना बच्चों ढहते विश्वास अच्छा विश्वास जब ढहेगा तो वो क्या होगा बताओ विश्वास अगर किसी भी इंसान का ढह जाता है फिर उड़ जाएगा ना विश्वास ढह जाएगा तो उड़ जाएगा तो बच्चों हम कहेंगे या किस भाषा का है तो कहेंगे बच्चों उड़िया किस भाषा का है बताओ उड़िया भाषा का है नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीधा पूछा जाएगा कहान भाषा का किस भाषा का अगर पूछा जाए बच्चों ये बताओ अच्छा उड़िया भाषा का है पर हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं इसा? जल्दी बोलो हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो किसी ने इसका अनुवाद किया होगा तो बताओ बच्चों अनुवाद किसने किया है इसका अनुवाद करने वाले कौन है इसके अनुवादक कौन है जो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो किसी ने तो अनुवाद किया होगा ना तो बच्चे इसके अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र कौन है जल्दी से फटाफट बताओ इसके राजेंद्र कौन है तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र बच्चों ना राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके अनुवादक हैं अगर कोई बच्चा बता दे कि जो सात कोरी होता है उसका जन्म कब हुआ था बच्चों सात कोरी होता का जन्म सात कोरी होता का जन्म अगर कोई बता दे तो उनके लिए बच्चों ताली बजाया जाए कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था ठीक है राजेंद्र मिश्र सर हर बच्चे को याद है ना हर बच्चे को याद है अपने सभी दोस्तों में बच्चा जी एक बार शेयर कर लेना कोई बच्चा बिहार का ना छूटे जो वर्णिका ना पढ़ पाए क्योंकि बहुत आसान चीज है और बहुत अच्छा खासा ठीक है तो बच्चों सौ इक्यानवे माफ करना बच्चों अठारह सो इक्यानवे लिखते थे एक आठ है ना ठीक है लिखते थे एक आठ लिखाता था नौ एक है ना तो बच्चों अठारह सो इक्यानवे में उन्नीस सौ नहीं अठारह सो इक्यानवे उन्नीस सौ उन्तीस नहीं बच्चों सॉरी 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 नहीं नहीं ठीक है होगा बट लिखते थे एक आठ लिखाता था ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उन्नीस सौ उन्तीस होगा बच्चा सॉरी 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 लिखते थे एक नौ लिखाता था दो नौ ठीक है सही है, है ना उनतीस अक्टूबर उनतीस अक्टूबर सही था बच्चा उनतीस अक्टूबर उनतीस अक्टूबर उन्नीस सौ उनतीस में जन्म हुआ था ठीक है अगर प्यारे बच्चों पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इसमें है ना अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो है ना मुख्य पात्रा कौन है

ठीक है गजब ट्रिक है सर आइए बच्चों इसकी कहानी को शुरू करते हैं है ना इस कहानी को शुरू करते हैं इसमें कौन कौन है है ना अगर इस कहानी में देखा जाए बच्चों तो यह उड़ीसा की कहानी है कहां की बताओ सॉरी इंटरनेट कर रहा है क्या अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं इंटरनेट फ्लेक्चुएट कर रहा है बच्चों ध्यान से देखना हो जाएगा ठीक लक्ष्मी इसकी मुख्य पात्र है आज बच्चों सबसे पहली बात करते हैं यह है आपके सामने लक्ष्मी अब हंसना मत कोई कि सर ऐसा होता है बच्चों ना ये आपके सामने लक्ष्मी है और बच्चों ये लक्ष्मी जो है इस कहानी की मुख्य पात्र है यह कहानी बच्चों किस राज्य की है बताओ किस राज्य की कहानी है अगर पूछा जाए तो राज्य का नाम कहना बच्चों तो उड़ीसा किस राज्य की कहानी है उड़ीसा उड़ीसा राज्य की कहानी है और इसमें एक है ना इसमें एक बच्चों औरत है जिसका नाम है लक्ष्मी क्या नाम है लक्ष्मी और लक्ष्मी के जो पति हैं लक्ष्मी के जो पति हैं उसका नाम क्या है बताओ अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी के पति कौन है फटाफट से बताना तो लक्ष्मी के पति जो है उसका नाम है लक्ष्मण लक्ष्मण क्या नाम है? नाम है है इनके पति जी का अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इसके इसके परिवार में इसके कितने बेटे बेटी है ना आ, इसके अगर पूछा जाए बेटे कितने हैं बेटे कितने हैं और पूछा जाए बेटी कितनी है इस कहानी में ना कितने बेटे हैं कितनी बेटी है जो जो क्वेश्चन बनने वाला है पहले सबको देख लो बेटा कितना बेटी कितनी है सर इंटरनेट रुकता है यही तो प्रॉब्लम है यहाँ का बच्चों हो जाएगा ठीक धीरे धीरे है ना तो तो बच्चा जी इसके बेटे की संख्या देखें तो दो, बेटे दो, बेटे दो बेटे हैं और दो बेटी हैं 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 दो दो बेटे और बेटी अगर पूछा जाए इसके पति कहाँ काम करते बताओ कोलकाता में ठीक है अरे पता नहीं कहां से वॉइस कम हो गया मुझे दिखाना पड़ेगा बच्चों है ना इसके पति काम कहा करते हैं बताओ कोलकाता में सर कम है कम है अच्छा हो जाएगा है ना चलो बच्चों कोलकाता में काम करते अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो पूर्वज थे बच्चों इनके जो पूर्वज थे उन्होंने कितना जमीन छोड़ गए थे इनके जो पूर्वज थे वो कितना जमीन छोड़ गए थे जल्दी से बता दो तो प्यारे बच्चों इसके पूर्वज जो थे वो एक बीघा जमीन छोड़ गए थे जो पूर्वज थे वो एक बीघा जमीन छोड़ गए थे ठीक है ना सर वॉइस वॉइस कम कम है है हो जाएगा ठीक बच्चा इनके जो पूर्वज थे वो एक बीघा जमीन छोड़ गए थे आइए बच्चों हम बात करते हैं कि लक्ष्मी का एक घर था लक्ष्मी क्या था बताओ लक्ष्मी का एक घर था ये मानो लक्ष्मी का घर है ध्यान से देखना लक्ष्मी का ये घर है बच्चों है ना ध्यान से लक्ष्मी का ये घर है ध्यान से देखना लक्ष्मी का ये घर है और ये बच्चों ये जो घर है ये किस बांध के नीचे बताओ लक्ष्मी का घर है लक्ष्मी का जो घर है वो देवी बांध के नीचे है बच्चों कहाँ है देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है अगर पूछा जाए जा बच्चों की लक्ष्मी के घर के पास में एक है ना एक और बांध है उसका नाम है बच्चों दलाई बांध क्या नाम है दलाई बांध है क्या नाम है दलाई बांध, है है? बांध, है? बांध है। तो है ना सर वॉइस बहुत कम है अच्छा वॉइस कैसे ठीक होगा अभी यहाँ से है ना वॉइस मुझे ठीक कराना पड़ेगा बच्चों ठीक है लक्ष्मी का जो घर है वो देवी बांध के किनारे है बच्चों सॉरी देवी बांध के नीचे है अगर पूछा जाए किस बांध के नीचे है पूछा जाए कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है तो आंसर क्या बोलोगे कहना बच्चों पास है किस बांध के पास में है इसका घर तो बच्चों दलाई बांध के पास में यानी कि थोड़ा पास में एक बांध है जिसका नाम बच्चों दलई बांध दलई बांध अगर आपसे ये पूछा जाए कि लक्ष्मी के है ना लक्ष्मी के बरान्डे से कौन सा बांध दिखाई पड़ता है लक्ष्मी के बरांडे से ना बरा ना क्या होता है परांदा है ना परांदे से अरे चबूतरे से बोल सकते ना परांदे से परांदे से कौन सा बांध दिखाई पड़ता है नहीं होता बरांडा टाइप का जो घर होता है उसके बाहर में नहीं होता बरांडा बैठने के लिए जहाँ कुर्सी लाकर हमारे दादी नानी सब बैठते हैं हम लोग भी बैठते हैं तो बच्चों है ना तो उसके जो उसका जो ब्रांडा है ना उसके बरांडे से क्या दिखाई पड़ता है उसके बरांडे से दलई बांध दिखाई पड़ता है दलई बांध दिखाई पड़ता है उसके बरांडे से याद रखना अब प्यारे बच्चों कहानी में हम लोग सर हाँ। आवाज धीरे आ रहा है नहीं आ तो रहा है मेरे पास तो आवाज ठीक आ रहा है मेरे पास तो साउंड अच्छा आ रहा है बच्चों है ना जल्दी बताओ किसके किसके पास साउंड अच्छा आ रहा है है ना हाँ चलो अब इस कहानी को पढ़ के बच्चों आपको रोना आ जाएगा क्या कहानी शुरू किया जाए बताओ इस कहानी को पढ़कर आपको रोना आ जाएगा ठीक है स्टार्ट किया जाए हाँ सर हाँ सर सर आवाज धीरे धीरे आ रहा है देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि लक्ष्मी जो बच्चों नई नई शादी करके आती है और जब ये आती है तो इसके जो पति हैं पति हैं वो कोलकाता चले जाते हैं काम करने के लिए और कोलकाता से जो भी पैसा कमा कर भेजते हैं कोलकाता से जो भी पैसा कमा कर भेजते हैं उस पैसे से लक्ष्मी का घर नहीं चलता है पैसे से लक्ष्मी का घर नहीं चलता है जिसके कारण से लक्ष्मी काम करना पड़ता है दूसरे के यहाँ बताओ बच्चों है ना दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है किसके यहाँ काम करना पड़ता है बताओ लक्ष्मी को किसके घर पर काम करना पड़ता है जल्दी बोलो बच्चों लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ तहसीलदार के यहाँ काम करना पड़ता है क्योंकि जो लक्ष्मण पैसा भेजते हैं बाहर से उस पैसे से उसका घर नहीं चलता है बच्चों इस कहानी में क्या क्या दर्शाया गया इस कहानी में दर्शाया गया बच्चों सबसे पहली बात इस कहानी में दर्शाया गया कि इसमें प्यारे बच्चों तेज बरसात होती है इसमें बरसात के बारे में बताया गया दूसरा बच्चों तेज सुखार के बारे में बताया गया इसमें प्यारे बच्चों बाढ़ के बारे में बताया गया इस कहानी में बाढ़ के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से उड़ीसा का जो जनजीवन है वो बाढ़ से अस्त व्यत रहता है तो लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती है जल्दी बोलो तहसीलदार के यहाँ काम करती है के पति कोलकाता में काम ठीक है लक्ष्मी बच्चों लक्ष्मी की चार संतानें हैं लक्ष्मी की कितनी संतानें बोलो कितनी संतानें अगर संतान की बात करें संतानें कितने चार संतानें हैं टोटल उसमें से बच्चों सबसे बड़ा बेटा है सबसे बड़ा बेटा है सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या है तो सबसे बड़ा बेटा का नाम है अच्युत इसका सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है बच्चों अच्युत क्या नाम है अच्युत है ना अच्युत इसके बड़े बेटे का नाम है अब होता क्या है कि लक्ष्मी के पति रहते हैं कोलकाता में लक्ष्मी गांव में प्यारे बच्चों अपने बच्चे के साथ में अकेले रहती है ठीक है ना अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लक्ष्मी के जो पूर्वज थे यानी ससुर थे उन्होंने उसने कितना जमीन छोड़ गए थे तो बच्चों कहना कि लक्ष्मी जो है लक्ष्मी के जो पूर्वज थे उन्होंने कितना जमीन छोड़ा था तो बच्चों मात्र एक बीघा जमीन छोड़ गए थे इसी में लक्ष्मी क्या करती थी हारे पर हल लेकर होता है ना वो जोतने वाला हल किराए पर हल लेकर के इस एक बीघे जमीन में खेती करती थी बच्चों एक बार क्या हुआ था कि लक्ष्मी ने बिचड़ा बोया था खेत में क्या बोया था बताओ लक्ष्मी ने खत में ना खेत में बिछड़ा बोया था कितने बच्चे जानते हैं जब हम धान छीटते हैं ना बच्चों है धान जब हम धान छीटते हैं तो छीटने के बाद छोटा छोटा पौधा होता है धान छीटने के बाद छोटा छोटा पौधा होता है इस पौधे को बच्चों बिचड़ा बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलो इस पौधे को क्या बोलते हैं हम लोग अपने ठेठ भाषा में हमारे यहाँ बिचड़ा बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमारे यहाँ इसको बिचड़ा बोला जाता है जब धान हम छीटते हैं ना वो मिट्टी में पानी वाले मतलब मिट्टी जो होता है ना कादा उसमें जब छीटते हैं तो वहां से धान निकलता है है ना ये इसे हम लोग बिचड़ा कहते हैं बच्चों ऐसा सुखार आया था ऐसा सुखार आया था कि लक्ष्मी का जो बिचड़ा था लक्ष्मी का बिचड़ा पूरी तरह से जल गया था कभी कभी बच्चों इतनी बरसात होती थी जिसके कारण से उसके यहाँ पर बाढ़ आ जाता था बच्चों क्या होता था उसके यहाँ पर बाढ़ आ जाता था सुख ना एक बार क्या है सुखार सुखार के कारण से सारा बिचड़ा जल गया और एक बार है ना और बरसात के कारण से बच्चों उसके यहाँ पर बाढ़ आता था उसके यहाँ पर क्या आता था बाढ़ आता था अब क्या हुआ कि हर वर्ष हर वर्ष बच्चों उसके गांव में जहाँ लक्ष्मी रहती थी उसके गांव में हर वर्ष बच्चों बाढ़ आता था क्या आता था बाढ़ है ना बाढ़ आता था हर वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी के गांव में हर वर्ष क्या आता था लक्ष्मी के गांव में हर वर्ष क्या आता था तो आंसर बताओ क्या लिखोगे लक्ष्मी के गांव में हर वर्ष बच्चों बाढ़ आता था क्या आता था हर वर्ष बाढ़ आता था और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि लक्ष्मी के गांव में जो बाढ़ है हाँ सर मेरे यहाँ बिचरा बोला जाता है है ना लक्ष्मी के गांव में जो बाढ़ है वो किस नदी के कारण से आता था जल्दी बताओ सर इंटरनेट फंसता है नहीं ये भी ठीक कराना पड़ेगा बच्चों ठीक है माफ़ कीजना मुझे लो वॉल्यूम प्रॉब्लम है सर अच्छा वॉल्यूम सर का हाँ ठीक है जल्दी बताओ तो बच्चों हर वर्ष जो बाढ़ है वो बाढ़ लाने का काम कौन सा बांध करता था तो बच्चों का दलई बांध, बांध के कारण इसके गाँव में बाढ़ आता, हाँ, हाँ, बाढ आता था इस बार के बारे में बताते हैं इस बार क्या हुआ इस बार क्या हुआ समझना बच्चों इस बार क्या हुआ इस बार ना बहुत ज्यादा बरसात हुई क्या हुई बच्चों बहुत ज्यादा बरसात हुई जिसके कारण से जिसके कारण से इस बार भी इसके गांव में बाढ़ आने की समस्या हुई बच्चों इस चीज को समझना बाढ़ आने की समस्या हुई ये है यह है लक्ष्मी का गांव बच्चों मान लेते हैं यह लक्ष्मी का घर यह है घर और घर के आसपास में और भी कई घर हैं, घर के आसपास में कई और भी घर थे बच्चों ध्यान से समझना घर के आस में कई और भी और घर थे, थे मिलाकर गांव कहलाया बच्चों इस बार भी जो पानी है इस बार भी जो पानी है वो पूरे प्यारे बच्चों तलई बांध में ना बांध क्या आने वाला था बाढ़ आने वाला था प्यारे बच्चों इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाता है कि लक्ष्मी के गाँव का एक पढ़ाकू लड़का कौन था है ना एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मी के गांव का

तो याद कीजिए गांव में कोई एक ऐसा लड़का होता है जो बहुत तेज होता है सबसे आगे रहता है अपने गांव को बाढ़ से बचाना है अपने गांव को जलने से बचाना है इस तरह से कोई ना कोई करता है कि नहीं करता जल्दी बताओ हा या ना तो बच्चों उसी प्रकार से इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था गुण निधि अरे बच्चों आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करना सभी दोस्तों में फटाफट से सब लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से एक बार सब लोग अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ठीक है जल्दी से सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा नाम था गुण निधि गुण निधि प्यारे बच्चों मतलब कि अपने एक संगठन बनाया था इन्होंने एक संगठन बनाया जैसे बच्चों अभी आप लोग एक संगठन सुनते होंगे आरएसएस एक संगठन है और बच्चों ए बी पी भी है भी है ना बहुत प्रकार के संगठन है ठीक है उसी प्रकार से उन उन्होंने एक संगठन बनाया था उसका नाम क्या रखा था स्वेच्छा सेवक स्वेच्छा मतलब खुद से मतलब स्वेच्छा सेवक है ना स्वेच्छा सेवक संगठन बनाया था स्वेच्छा सेवक संगठन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुण निधि ने कौन सा संगठन बनाया था है ना गुण निधि ने कौन सा संगठन बनाया था ऐसा कई बार पूछा गया एग्जाम में तो कहना बच्चों कि गुण निधि ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था स्वेच्छा सेवक संगठन क्या नाम था स्वेच्छा सेवक दल बच्चों सॉरी है ना उन्होंने स्वेच्छा सेवक दल बनाया था और ये जो स्वेच्छा सेवक दल था इसका काम यही था कि गांव को बाढ़ आने से बचाना है है ना गांव में जब बाढ़ आता है तो इससे गांव वालों को बचाना है ये काम था इसका और इस स्वेच्छा सेवक दल में है ना? इस सेवक दल में लक्ष्मी का बेटा भी शामिल था जिसका क्या नाम था बताओ लक्ष्मी का बेटा भी शामिल था जिसका नाम था अच्युत तो इसी में प्यारे बच्चों अच्युत भी शामिल था अच्युत भी इसी है ना स्वेच्छा सेवक दल में शामिल था अरे बच्चों जब बाढ़ आने का समय हो तो क्या हमें पहले पता चल जाता है या नहीं चलता है बताओ हाँ या ना थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना दीदी बताओ थोड़ा बहुत पता चलता है कि नहीं चलो वो मतलब फल्ला मतलब हम देखते हैं ना गाँव में बाढ़ आ गया तो लगता है कि अब लगता है धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ जाएगा न्यूज में सुनते हैं कि बाढ़ से आ, मतलब कि सुपोल के आधे मतलब कि आधे गांव बाढ़ से मतलब कि तबाह हो गए तो मतलब सुपोल के बगल वाले सहरसा वाले समझ जाते हैं लगता है सहरसाम भी पानी आने वाला है तो मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले ही समझ उसी प्रकार से प्यारे बच्चों एक आभास हो गया था गांव वालों को गांव वालों को आभास हो गया था कि अगर दलाई बांध अगर दलाई बांध अगर पानी से पूरा फुल हो गया है इसका मतलब है कि यह पानी गांव में आएगा इसका मतलब है प्यारे बच्चों यह पानी गांव में आने वाला गांव वालों को यह पहले ही पता चल गया था है ना गांव वालों को ये पहले ही पता चल गया था कि अब ये पानी प्यारे बच्चों गांव में आने वाला है है ना है ना यह पानी सर वॉइस खराब आ रहा है साउंड ठीक कीजिए सर साउंड ठीक कीजिए ठीक है एस क्लास बंद है सर दिसंबर में कैसे खत्म होगा हो जाएगा बच्चा टेंशन मत रहिए साउंड कम है सर अच्छा बच्चों देखो ध्यान से हो जाएगा बच्चा हो जाएगा प्लीज है ना एक ही चीज़ों कमेंट मत कीजिए है ना एक ही चीज का प्यारे बच्चों बार बार कमेंट मत कीजिए प्लीज तो तो हाँ। तो भी, हो, हो, भी, भी लड़के थे हाँ तो बाढ़ आने की खबर बच्चों किसे सुनानी थी बच्चों बाढ़ आने की खबर किसे सुनानी थी बाढ़ आने की आने की सूचना अगर है ना सभी लड़के है ना सभी लड़के रात में जाकर के बांध को बचाने के लिए अगर बांध टूटेगा तो फिर पानी तो गांव में आएगा तो बांध को बचाने के लिए सभी लड़के बोरा बोरा मिट्टी डाल रहे थे है ना बोरा बोरा क्या कर रहे थे मिट्टी डाल रहे थे ठीक है ताकि बांध नहीं टूटे ताकि बांध नहीं टूटे और गांव में पानी नहीं आए बच्चों ठीक है तो इसको बचाना तो अगर इसमें जो सरपंच साहब थे सरपंच साहब ने कहा था कि अगर लग जाए अगर ऐसा लग जाए कि मतलब कि अब नहीं रुक सकता है बांध और मतलब बांध को तोड़कर पानी गांव में आ जाएगा तो सबसे पहले सूचना मुझे देना तो बच्चों बाढ़ आने की खबर किसे सुनानी थी बताओ तो बाढ़ आने की खबर सरपंच साहब को सुनानी थी ठीक है ना तो लक्ष्मी का अब हम बात करते हैं मेन लक्ष्मी के बारे में लक्ष्मी का एक बेटा बच्चों लक्ष्मी का एक बेटा जो बांध में जाकर के गुण निधि के साथ मिलकर के बांध को बचा रहा था और लक्ष्मी अपने दो बेटी और एक छोटे से बेटे के साथ अपने घर में थी अपने कहाँ थी बताओ घर में थी एग्जाम में पूछा जाएगा कि लक्ष्मी अपने दोनों बेटियों को सुलाकर या फिर लक्ष्मी अपने बेटे बेटियों को सुलाकर कहा गई थी है ना लक्ष्मी अपने बेटे बेटियों को सुलाकर कहा गई थी एग्जाम में पूछा जाएगा तो बच्चों उन्होंने लक्ष्मी अपने बेटे बेटी को सुलाकर बेटे बेटी को सुलाकर कहा गई थी तो आंसर बताओ क्या लिखोगे बेटे बेटी को सुलाकर बच्चों वो वो गई थी गुहाल में कहा गई थी गुहाल में कहा गई थी गुहाल में गई थी गुहाल में है ना गुहाल किसे कहते हैं गुहाल किसे कहते हैं जल्दी बताओ बच्चों गुहाल उसे कहते हैं जहां पर गाय बकरी बांधा जाता है हम उसे गुहाल कहते हैं ठीक है तो लक्ष्मी अपने बेटे बेटियों को सुलाकर कहा गई थी गुहाल में गई थी देखने के लिए जो बकरी है या गाय है उसका मतलब कि रस्सी खोल देने के लिए अगर रस्सी नहीं खोला जाए और रात में अचानक बाढ़ आ जाए तो लोग कहाँ भागें मतलब कि फिर लोग तो भाग जाएंगे किसी तरह से गाय बकरी कैसे भागेंगे तो सबका रस्सी खोलने के लिए लक्ष्मी गुहाल में गई थी अब बच्चों उधर से अब क्या हुआ कि उधर से हल्ला करते हुए है ना उधर से हल्ला है ना हल्ला बच्चों देखो जब जनरली गांव में बाढ़ आता है तो कहीं ना कहीं छुपने का जगह होता है कोई ना कोई ऐसा टीला होता है जहां पर जाकर के लोग रहते हैं तो बच्चों लक्ष्मी के गांव में जब भी बाढ़ आता था तो गांव वाले जो थे वो स्कूल के छत में रहते थे कहा रहते थे बताओ है ना या तो वो टीले में रहते थे या तो बच्चों स्कूल के छत में कहां रहते थे बताओ लक्ष्मी के में जब भी पानी आता था तो गांव वाले कहा जाकर है ना रहते थे स्कूल के छत पर गांव वाले कहाँ छुपते थे बताओ जैसे ही बाढ़ आया तो सब है ना जितने भी गांव वाले हैं वो जाते थे स्कूल के छत पर स्कूल के छत पर जाते थे ठीक है या तो बच्चों टीले पर कहा जाते थे या तो जाते थे टीले पर या तो टीला किसको बोलते हैं जो ऊंचा स्थान होता है हम उसे टीला कहते हैं जो ऊंचा स्थान होता है हम उसे टीला कहते हैं या तो लोग बच्चों टीले पर जाकर के रहते थे टीला ऐसे होता है ना इस तरह करके ऊंचा स्थान होता है हम उसे टीला कहते हैं टीले पर जाकर के लोग रहते थे है ना टीले पर बच्चों एक मंदिर भी था उसका नाम बताओ कोई बता सकता हो है ना टीले पर एक मंदिर था बच्चों है ना इसके इस कहानी में अगर आप पढ़ेंगे तो टीले पर एक मंदिर था उस मंदिर का नाम कोई बता सकता है यस सर यस सर इसका नोट सर आज मिल जाएगा बच्चों है ना आज मिल जाएगा आपको नोट टेन सा मतलब इसका नोट दे देंगे है ना चंदेश्वरी का मंदिर था ना चंदेश्वरी चंदेश्वरी का मंदिर था बच्चों अगर आपसे पूछा जाए टीले पर कौन सा मंदिर था तो माँ चंदेश्वरी का मंदिर था टीले पर ठीक है तो टीले के पास में और सभी लोग बच्चों भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं आप भी करते हो कि नहीं करते हो जल्दी बताओ भगवान पर आप भी भरोसा करते हो मैं भी भरोसा करता हूँ सब कोई भरोसा करते हैं ठीक है तो बच्चों जब भी लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो लोग कहाँ जाते थे तो कहना स्कूल के छत पर जाते थे लोग भागकर कर कहाँ जाते थे टीले पर जाते थे और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चंदेश्वरी का मंदिर था यहाँ पर जाकर के सब लोग मन्नत मांगते थे हे माँ गाँव में बाढ़ नहीं आए गाँव में क्या नहीं आए बताओ माँ चंदेश्वरी का मंदिर था गाँव में बाढ़ नहीं आए बच्चों अब क्या हुआ अचानक से उधर से अच्युत दौड़ता आया है ना है ना अच्युत दौड़ता आया कि बाढ़ 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 आ आ आ गया आ गया आ गया समझ रहे हो ना यानी कि बच्चों बांध बांध जिस बांध जिस की रक्षा ये लड़के लोग कर रहे थे वो बांध क्या हुआ बोलो जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हुआ वो बांध बच्चों टूट गया वो बांध क्या हुआ टूट गया अब बच्चों जब बांध टूट गया तो सोचो क्या हुआ होगा ठीक है बांध टूट गया और प्यारे बच्चों पूरा गांव बांध टूट गया तो अचानक से लोग भाग ना जैसे ही बांध टूटा लोग भागना स्टार्ट किए लोग भागना स्टार्ट किए ठीक है ना और बच्चों पूरा गांव जो था वो पानी की चपेट में आ गया और पूरा गांव प्यारे बच्चों पानी से डूब गया बच्चों है ना वहीं पर जितने भी जानवर थे बकरी थे गाय थे वो सभी बच्चों मर मर के वो फूल के भसने लगे थे फूल के क्या होने लगे थे भसने लगे थे और जित मतलब जो भी लोग थे इस बार पहले बच्चों कहते हैं कि जब भी पहले पानी आता था जब भी पहले पानी आता था तो लोग बच्चों स्कूल में जाकर के छिपते थे या फिर स्कूल के छत में यही दो काम होता था या तो स्कूल में या तो स्कूल के छत में इस बार पानी कहाँ था बताओ बच्चों इस बार का बांध ऐसा इस बार ऐसा बाढ़ आया था ऐसा बाढ़ आया था कि पूछो बच्चों कहाँ पानी था एक बार पूछो मुझसे तो बताऊ मैं है ना इस बार जो बाढ़ का पानी था बच्चों वो आप कह सकते हो कि स्कूल के छत तक पहुंच गया था स्कूल के छत तक पानी पहुंच गया था है ना इतना बाढ़ आया था बच्चों स्कूल के छत तक पानी पहुंच गया था ठीक है इतना बांध आया था बच्चों कि स्कूल के छत तक पानी पहुंच गया था और लक्ष्मी जो है और लक्ष्मी जो है बच्चों अपने अपने तीनों क्योंकि अच्युत तो पीछे था अच्युत तो पीछे था कह रहा था भागो भागो बाढ़ आ रहा है लक्ष्मी अपने तीनों बच्चे के साथ यानी दो बेटी लक्ष्मी बच्चों दो बेटी है ना दो बेटी और एक छोटा बेटा था एक साल का और एक छोटा सा बेटा था एक साल का बेटा था उसको लेकर लक्ष्मी भाग रही थी उसको लेकर लक्ष्मी क्या हो रही थी भाग रही थी है ना दो वर्ष की है ना दो बेटी और एक वर्ष का बेटा था उसको लेकर के लक्ष्मी भाग रही थी जब गांव में पानी आया था पति तो थे नहीं बच्चों लक्ष्मी भाग रही थी और भागते भागते जो है ना भागते भागते पहले बच्चों आ, जो लक्ष्मी है आ, ये बाढ़ जब जब जा मतलब पानी आया ना जब ज्यादा पानी आया तो भागते भागते तो लक्ष्मी जो है ना कि जब ये भाग रही थी तो पानी इतना आया कि उसमें इसकी जो दो बेटियां हैं ये दो बेटियां जो हैं ये तो भाग करके ऊपर चढ़ गई ये तो भाग करके बच्चों टीले पर चढ़ गई पर लक्ष्मी जो है ना इनको बचाने के चक्कर में लक्ष्मी खुद पानी में ये है ना लक्ष्मी प्यारे बच्चों खुद पानी में फंस गई और फंसने के बाद जब पानी का बहाव आया तब ये जो बह करके गई ना ये जब बह करके गई तो एक कदम का पेड़ था बच्चों कदम या फिर ऐसे कुछ पेड़ दिया था एक कदम के पेड़ में ये जाके फंस गई बच्चों कहा पर कदम के पेड़ में जाकर फंस गई कदम के पेड़ में जाकर के क्या हो गई लक्ष्मी फंस गई बच्चों कदम के पेड़ में जाकर के लक्ष्मी क्या हो गई फंस गई और माफ कीजिएगा ना बरगद का पेड़ था ना बरगद के पेड़ में जाकर के लक्ष्मी फंस गई लक्ष्मी का जो बाल था वो बरगद के पेड़ में जाकर के फंस गया है ना और ये ऊपर मतलब शायद बरगद के पेड़ में ये फिर वो उसके डाली में फंस गई और इसको जब हौस आया बच्चों है ना शायद ये चढ़ गई थी इस पेड़ में ठीक है जब ये हौस आया इसको जब इसको हौस आया तो देखा ना जब इसको हौस आया तो देख रही है आस पास के मतलब जहां तक नजर जा रहा है कहीं गाय मरा हुआ है कहीं बकरी मरा हुआ है चारों तरफ प्यारे बच्चों सब लोग मरे हुए हैं और शायद जो इसका छोटा बेटा था बच्चों का छोटा बेटा था है ना हाँ सर कदम का नहीं सर बरगद हाँ बच्चों बरगद का था शायद जो इसका बेटा था बच्चों छोटा वाला बेटा वो 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 भी मतलब मुझे है ना उसका बेटा भी शायद मर गया था ना पानी में डूब करके इसका बेटा भी मर गया था लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों लिखा गया है ठीक है लास्ट बुक में दिया गया है कि लिखा गया है कि उस हाथ तो ताकत है ना कहते हैं बच्चों कि उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी पानी का धरा ने बहकर पेड़ की शाखा का जोड़ा में है ना हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे का बच्चे को लक्ष्मी ने उठा लाई बच्चे की दोनों आंखें मुन्नी थी सारा शरीर फूल गया था सीने में धड़कन नहीं था वह उसका छोटा बेटा नहीं था फिर भी उसने अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह में लगाकर जोरों से अपने सीने से भिंगा लिया ठीक है तो बच्चों उसका बेटा भी जो था उसका बेटा भी उसके गोद से कहा चला गया

जो भी लोग बचे थे उन सभी लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास क्या हुआ बताओ जो भी लोग बचे थे उन सभी लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास क्या हुआ बताओ है ना भगवान के ऊपर से उनका विश्वास क्या हो गया बताओ ठीक है बच्चों जो भी लोग बचे थे उन सभी का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया उसका विश्वास ढह गया इसीलिए कहते हैं इसका नाम है ढहते विश्वास क्या नाम है बच्चों ढहते विश्वास मतलब क्या होता है कितना दिक्कत है कभी बच्चों ज्यादा धूप हो जाता है तो फसल बर्बाद बारिश हो गई तो फसल बर्बाद बाढ़ आ गए तो फसल मतलब घर फसल सब बर्बाद इसके कारण से वहाँ के लोगों का जो है मतलब भगवान के प्रति से विश्वास ही उठ गया था मतलब बहुत ज्यादा दुख हो रहा था विश्वास उठ गया था इसमें एक और टॉपिक है बच्चों इसमें एक टॉपिक और है जिसको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी के जो ससुर थे लक्ष्मी के जो ससुर थे बच्चों लक्ष्मी के जो ससुर थे वो 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 ना एक बांध में काम करते थे और उस बांध का नाम बताइए लक्ष्मी के जो ससुर थे वो किस बांध में काम करते थे और वही बच्चों पत्थर से दबाकर मर गए थे नहीं होता है बांध में काम करते करते पत्थर से दबकर मर गए थे तो लक्ष्मी के ससुर किस बांध में पत्थर से दबकर मरे थे बताओ किस बांध में बांध का नाम बताओ तो लक्ष्मी के जो ससुर थे बच्चों वो वो हीरा बांध में हीराकुंड बांध में काम करते हुए पत्थर कहाँ पर स्थित है जल्दी बताओ ये उड़ीसा में स्थित कहाराकुंड बांध ठीक है ना चलो बच्चों है ना हीरा कुकुंड बांध कहाँ पर है, कहा है? हीरा है? तो है, है हीरा ना तो हाँ हीराकुंड बांध में लक्ष्मी के ससुर दबके मर गए थे इस चीज को इस टॉपिक को भी याद रखना बच्चों ठीक है ना और अगर आपसे ये पूछा जाए एक शहर था जिसका नाम था बच्चों एक शहर था जो, एक उसका नाम था कटक शहर है ना कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कटक शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनाए थे कटक शहर को कटक शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे है ना हाँ सर अच्युत लौटकर आया क्या नहीं अच्युत कहाँ लौट कर आया अच्युत तो बाढ़ में रह गया ना अच्युत भी कर नहीं आया होगा बच्चों अच्युत तो उधर पानी में रह गया ना वो कर कर कहां आया होगा अच्युत तो बांध की निगरानी कर रहा था अचानक पानी आया अच्युत और उसके सभी दोस्त वो लोग लौट कर नहीं आए होंगे माँ अपने बच्चे को लेकर भाग रहे थी जिसमें बेटियों को तो उन्होंने बचा लिया किसी तरह से और उसके गोद के जो बच्चे थे वो भी मर गए शायद बच्चों उसमें पूरा बहुत दिन हो गए मेरी कहानी पढ़ने से

एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि लक्ष्मी कैसी औरत थी लक्ष्मी के बारे में लिखें तो बताइए बच्चों लक्ष्मी कैसी औरत थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी कैसी औरत थी बताओ लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें लिख देंगे आप जल्दी बताओ लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें लिख देंगे हा या ना गुरु लक्ष्मी के बारे में पूछा जाए तो लिखेंगे लक्ष्मी एक साहसी औरत थी है ना साहसी औरत थी जिसके पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे लक्ष्मी अपने दो बेटी और दो बेटे के साथ गांव में जीवन यापन करती थी लक्ष्मी के पूर्वज जो एक बीघा जमीन छोड़ गए थे उस पर लक्ष्मी खेती करती थी और वह और वह घर का खर्च चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करती थी कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे जल्दी बताओ ये हेलो जी हेलो 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 देखो ठीक है <laughs> आ गया चलो जी आ गया उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ से ग्रस्त है कैसे वो तो लिखना है बच्चों लिखना है कि विश्वास क्या लिखना है विश्वास विश्वास कहानी में, विश्वास कहानी में में आया साउंड देखो जल्दी से है ना विश्वास कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बाढ़ लक्ष्मी के गांव को तबाह कर देती है लक्ष्मी उड़ीसा की है ना लक्ष्मी है ना लक्ष्मी का गांव उड़ीसा में ही था ये हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का जो जनजीवन है वो बाढ़ से ग्रसित है ना बाढ़ से बाढ़ से ग्रस्त है क्या है बच्चों बाढ़ से ग्रस्त है बाढ़ से ग्रस्त है, ग्रस्त है। इसका प्रॉपर आंसर हम लिख के लाएंगे और आपको हम दिखाएंगे बच्चों कैसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बच्चों अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आइए हम एक टेस्ट देते हैं क्या देते हैं बच्चों टेस्ट योर सेल्फ है ना टेस्ट क्या आप तैयार हैं हाँ या ना कर दीजिए चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार में हम देखें एक बार पहले बच्चों आप सभी लोग इस क्लास को फटाफट से लाइक कर लीजिए जल्दी से जितने भी लोग हैं फटाफट से इस क्लास को लाइक कर लीजिए जल्दी से है ना क्या आप तैयार हो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम एक बार में सारे क्वेश्चन को देखने वाले सर साउंड सर वहाँ प्राकृतिक सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा हाँ बच्चों इसका पीडीएफ मिल जाए ठीक है चलो ठीक है स्टार्ट करें नो, पहला क्वेश्चन बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं विश्वास कहानी बच्चों या किस भाषा है ना है विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है किस भाषा से अनुदित है जल्दी बताओ किस भाषा से अनुदित है तो कहना बच्चों ढेत विश्वास कहानी जो है ये उरिया भाषा से अनुदित है भाषा से आपसे पूछा जाए अगला बच्चों ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है कहानीकार कौन है जल्दी बोलो जल्दी बोलो बिना बिना पीछे सोचे समझे जल्दी बोलो स्पीड इस, इस में इसके कहानीकार कौन है तो कहानीकार है बच्चों सात कोड़ी होता सात कोरी होता है इसके कहानीकार है अगर आपसे पूछा जाए सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था तो बच्चा जन्म लिखना है उन्नीस उन्नीस में उनतीस अक्टूबर उनतीस अक्टूबर उनतीस अक्टूबर उन्नीस में इनका जन्म हुआ था उनतीस अक्टूबर उन्नीस में जन्म हुआ था पूछा जाए बच्चों कि लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं तो कहना बच्चों चार संतानें पूछा जाए कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है वो तो पूछा जाता है इनके पति का नाम क्या है तो कहना बच्चों इनके पति का नाम है लक्ष्मण पूछा जाए कि लक्ष्मण कहाँ काम करते हैं लक्ष्मण कहाँ काम करते हैं तो, करते है? तो कहना बच्चों कोलकाता में कहाँ काम करते हैं कोलकाता में अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम बताओ बड़े लड़के का नाम तो कहना बच्चों बड़े लड़के का नाम अच्युत है पूछा जाए लक्ष्मी किसके घर कार्य करती है लक्ष्मी किसके घर कार्य करती है जल्दी से स्पीड में लक्ष्मी किसके घर काम करती है तो कहना बच्चों तहसीलदार के यहाँ ना तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ करती है बताओ तहसीलदार के यहाँ पर लक्ष्मी काम करती है अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के पूर्वज कितना जमीन छोड़ गए थे तो कहना बच्चों एक बीघा जमीन छोड़ गए थे एक बीघा जमीन छोड़ गए थे अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन है तो कहना बच्चों पढ़ाकू लड़का का नाम है गुण निधि आपसे अगर पूछा जाए गुण निधि ने कौन सा संगठन बनाया था कौन सा संगठन गुण निधि ने बनाया था तो कहना बच्चों स्वेच्छा सेवक क्या बोलना स्वेच्छा सेवक संगठन उन्होंने बनाया था पूछा जाए बच्चों बाढ़ आने की खबर किसे देनी थी बाढ़ आने की खबर तो कहना बच्चों बाढ़ आने की खबर सरपंच साहब को देनी थी बाढ़ आने की खबर सरपंच साहब को देनी थी बोलो या ना बाढ़ आने की खबर किसे देनी थी सरपंच साहब को बाढ़ आने की खबर देनी कहते हैं बच्चों की अः टीले पर किसका मंदिर था टीले पर मंदिर किसका था तो कहना बच्चों चंदेश्वरी देवी का ना चंदेश्वरी देवी का ना चंदेश्वरी चंदेश्वरी माँ चंदेश्वरी देवी का ऐसे कुछ था बच्चों उनका मंदिर था आपसे पूछा जाए गांव के लोग बाढ़ के समय कहाँ छिपते थे बाढ़ के समय कहाँ छिपते थे तो कहना बच्चों स्कूल में कहाँ छिपते थे तो स्कूल में छिपते थे स्कूल में छिपते थे लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था पूछा जाए किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था तो आंसर बताइए जल्दी से लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था तो कहना बच्चों देवी बांध के नीचे कहा जाए बच्चों की लक्ष्मी के लक्ष्मी के है ना किस बांध के नीचे था और आपसे ये पूछा जाए कि लक्ष्मी के घर के पास में कौन सा बांध था पास में थोड़ा पास में या फिर थोड़ी दूर पर कौन सा बांध था थोड़ी ही दूर पर थोड़ी ही दूर पर कौन सा बांध था तो थोड़ी ही दूर पर बताओ कौन सा तो दलाई बांध था तो कहना बच्चों दलाई बांध दलाई बांध थोड़ी ही दूर पर था पूछा जाए बच्चों कि इसके गांव में बाढ़ आने का कारण कौन सा बांध था बाढ़ आने का कारण कौन सा बांध था आने का कारण पूछा जाए इसके गांव में बाढ़ आने का कारण कौन सा बांध था तो कहना बच्चों दलई बांध कौन सा दलई बांध था और आपसे पूछा जाए बच्चों दलई बांध पूछा जाए जा महाराज ने है ना महाराज केसरी ने किस शहर को, को बचाने के लिए बांध बनवाए थे महाराज याति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे तो कहना बच्चों किस शहर को बचाने के लिए जल्दी बताओ है ना किस शहर को हां तो आंसर में क्या लिखना बताओ है ना कटक क्या नाम था कटक शहर था क्या कौन सा नाम था बच्चा जी बताओ हाँ कटक शहर को बचाने के लिए और आपसे पूछा जाए कि इनके ससुर किस बांध में काम करते हुए मारे गए ये जो ससुर थे वो किस बांध में काम करते हुए मारे गए तो कहना बच्चों हीराकुंड बांध क्या बोलना हीराकुंड बांध में काम करते हुए ससुर मारे गए थे हीराकुंड बांध में पूछा जाए बच्चों कि हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है तो आंसर बोलो क्या लिखोगे हीराकुंड बांध कहाँ पर है जल्दी बोलो तेजी में हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है तो कहना बच्चों हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है अच्छा उड़ीसा के किस नदी पर स्थित है पूछा जा हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो लिखो बच्चों आंसर में जल्दी बताओ किस नदी पर है तो कहना बच्चों महानदी पर है किस पर है महानदी पर है बाढ़ आने की खबर किसे सुनानी थी बाढ़ आने की खबर किसे बतानी थी तो बाढ़ आने की खबर बच्चों सरपंच साहब को बतानी थी सरपंच साहब को बतानी थी सरपंच साहब को बतानी थी बाढ़ आने की खबर किसे बतानी थी बच्चों बताओ सरपंच साहब को बतानी थी और आपसे पूछा जाए कि ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है तो कहना बच्चों मुख्य पात्रा मुख्य पात्रा कौन है लक्ष्मी लक्ष्मी बच्चों ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा है और आपसे ये पूछा जाए ध्यान रखना अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा अनुदित है किसके द्वारा अनुदित है बताइए किस व्यक्ति ने इसे अनुदित किया है जल्दी बताओ अनुदित है किसके द्वारा तो कहना बच्चों राजेंद्र प्रसाद मिश्र राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है बच्चों पूछा जाए कि किस कहानी में है ना किस कहानी में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है किस कहानी में बाढ़ की विभीषिका बाढ़ की विभिषिका का वर्णन है किस कहानी में तो कहना बच्चों किस कहानी में जल्दी बताओ किस कहानी में बाढ़ की विभिषिका का वर्णन है तो कहना बच्चों है ना ढहते विश्वास किस में ढहते विश्वास में बाढ़ की विभिषिका का वर्णन है ठीक है याद रहेगा आपको बताओ बाढ़ की विभिषिका का वर्णन है ठीक है बच्चों जल्दी बताओ अब बताओ क्या लगता है आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा यस और नो इस चैप्टर से क्या कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है हाँ या ना जल्दी बताओ नहीं सर नहीं सर नहीं सर है ना क्या इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है <laughs> है ना तो प्यारे बच्चों एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा अगर आज की कक्षा में अगर आज की कक्षा में गुरु जी को तो पाँच स्टार देना हो तो आप कितना देंगे पाँच मत देना बच्चों कि हमने मैं सही कह रहा हूँ दिल से मैंने बच्चों पाँच स्टार वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाई है आपको दिल से कह रहा हूँ ठीक है ना दिल से कह रहा हूँ कि मैं पाँच स्टार के लायक नहीं हूँ आज कि मैं बता रहा हूँ आपको आपको मैं अब थोड़ा सा डिटेल बताऊँ मैं बच्चों तीन तीन दिन पहले से बच्चों रूम मतलब तीन से चार दिन पहले बच्चों डेली मैं रूम ढूंढ रहा था पूरा दिन दिन भर बच्चों रूम ढूंढने के चक्कर में उसके बाद बच्चों दो से तीन ना दो से तीन दिन से जो है बच्चों मैं परेशान हूँ पूरा सब कुछ सेटअप करने में दूसरे जगह पर आया ना एक जगह से दूसरे जगह में आया हूँ ना बच्चों पूरा सेटअप करने में इतना है उसके बाद दूसरे जगह का जो पानी होता है ना जब पीते हैं नहाते हैं पता है अगर मुझे मतलब तो बुखार है बच्चों जाँचा जाए तो बहुत बुखार है ठीक है ना और इसको देखा जाए तो बहुत बुखार है लेकिन पता है आपको एक चीज लेकिन बच्चों बच्चों आप आप लोग लोग का का ना ना क्लास 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 छूट 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 रहा 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 था रहा था 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 बाकी इंटरनेट वगैरह ना तो आप लोग कमेंट कर रहे थे गुरु जी हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा कि आप बदल गए हो हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा मेरे बच्चों मैं एक बात बताऊं आपको अभी भी बता रहा मतरो मेरे ऊपर भरोसा है ना आपको सर चार स्टार देंगे सर आज नहीं बच्चों जितना स्टार देना दे दो मैंने दिल से मतलब वो नहीं हो पाया बच्चों मैं पहले से प्रिपेर्ड नहीं था मैं पता हूँ मतलब चार बजे आज मैंने एक बैच लंच किया दिल की बात बताता हूँ चार बजे पहले बच्चों मैंने आज मैंने सरप्राइज़ वाली वीडियो लाई थी बोलो या ना उसके बाद पहले बच्चों मैं सोने की डॉक्टर ने बोला थोड़ा सो मतलब आराम कर लेना मैं सोने के लिए गया बच्चों पर मैं आपके क्लास के डर से कि क्लास ना छूट जाए मैं सो नहीं पाया बच्चों ठीक है हर दस मिनट में नींद खुल जाता है हर दस मिनट में डर से नींद मतलब खुल जाता है आप लोगों का कि कहीं अगर छूट गया क्लास तो बच्चे तो फिर बोलेंगे संजय सर ने क्लास छोड़ दिया तो बच्चों आज एक ही क्लास रखें बोलो हाँ या ना बोलो आज एक क्लास रहने दें यह सुनो तो हम वापस आ गए हैं तो क्लास हो जाएगा ठीक है बोलो आज एक क्लास रहने दें बोलो 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 जल्दी बोलो बच्चा जल्दी बोलो एक क्लास रहने दे। फिर मैनेज कर देंगे हम रहने दें बोलो ठीक है आज एक क्लास रहने दो थोड़ा तबीयत ठीक होने दो फिर हम पढ़ाते हैं बच्चों ठीक है तबीयत ठीक होने दो और मैं इसको भी ठीक करता हूँ जल्दी से स्टूडियो ठीक करता हूँ कई बार आपको आवाज़ नहीं जाता है आवाज़ गूंजता है पहले बच्चों बड़ा सा रूम होता था तो आवाज़ ठीक ठाक होता था अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यस सर यस सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ ना आप भरोसा तो करो स्टार्ट कर रहा हूँ फिर दिन में अगर ज़्यादा बोलोगे गुस्सा जाऊँगा मैं चार पाँच क्लास दे दूंगा एक दिन में ठीक है चलो बच्चों मैनेज कर लेना पढ़ते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए इसको बच्चों अच्छे से करना इसका नोट्स अभी ना मैं व्हाट्सएप पर डलवा देता हूँ कितने लोग पेड क्लास में जुड़े हैं। इसका नोट्स मैं भी डलवा देता हूँ पढ़ लेना आप लोग इसका नोट्स पैर बच्चों आपको ऐप पर भी मिल जाएगा ऐप पर तो पहले से ही अभी मैं तुरंत व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो पेड क्लास में जुड़े हुए हाथ उठाओ जल्दी से कि गुरु जी हमने आपको फ़ीस दिया है जो लोग नहीं दिए हैं बच्चा जी मैं ज़्यादा फीस नहीं लेता हूँ थोड़ी सी फीस हमें देना बच्चा हमारा जो क्लास है उसका नाम क्या है जी ना ड्रीम 450 क्लास ठीक है तो हर बच्चा जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस को जानता है आपको ड्रीम 450 क्लास में ज्वाइन होना चाहिए बच्चों ठीक है आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो मतलब पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं वहाँ भी पढ़ो पर मात्र बच्चों आपको 499 रुपजेस के लिए फीस देना है और आपको इसमें सब कुछ मिलता है ऑल क्लास मिलता है नोट्स मिलता है एप्लीकेशन में जोड़ा जाता है लास्ट में क्या क्या मिलता है सर बताओ सबसे पहले तो जो हम लिखे हैं ये पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा बच्चों जो हम लिखे हैं अभी इतना ये सब कुछ मिलेगा ठीक है उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा गुरु जी दूसरा आपको इस चैप्टर का बच्चों नोट्स मिलेगा क्या मिलेगा दूसरा नोट्स मिलेगा तीसरा बच्चों ऐप पर ये क्लास आपको मिलेगा जिसमें बिना ऐड आप देख सकते हो चौथा बच्चों बहुत ही जल्दी इन सभी का मैं टेस्ट लगवाने वाला तो आप सभी लोग बच्चों जो भी लोग नए हो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करना क्या करना है बताओ दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप और वहाँ से जाकर कोर्स परचेज़ कर लेना ठीक है अगर आप नहीं चलाते हो गूगल पे फ़ोनपे पेटीएम तो बच्चों ये नंबर पर कॉल करना ये नंबर पर डबल सेवन डबल ज़ीरो एट सेवन नाइन फोर फाइव थ्री पर कॉल करके बोलो मुझे संजय सर का कोर्स परचेज़ करना है इस पर आप कॉल करके बोलिए ठीक है आप किसी दुकानदार से भैया मम्मी पापा के फ़ोन से करके ले सकते ठीक है बच्चों तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ठीक है चले बोलो ना सब लोग बच्चों एक बार लाइक कर लेना वीडियो को और हाँ मैं सच कहता हूँ एक बार दिल जीत कर दिखाऊंगा थोड़े से आप नाराज हो मैं जानता हूँ आपकी नाराजगी मैं खत्म कर हूँ ये भी मैं जानता हूँ बस बच्चों भरोसा रखना अपने गुरु जी पर हर सांस तक आपके साथ रहूँगा तो एग्जाम से पहले अगर आपको मैं उस लायक नहीं बनाया दिया तो आप मुझे कहना बच्चे ठीक है थोड़े से दुख समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी सब कुछ ठीक है लव यू बच्चों ठीक है लव यू एस के लिए हम गुरु जी लाइव लाते हैं बहुत जल्दी ठीक है लव यू बच्चों एस के लिए ठीक है एस के लिए लाया जाए बोलो जल्दी से गुरु जी को लाया जाए <laughs> नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है एस एस के लिए गुरु जी को लाइए तो बहुत जल्दी लाया जाएगा ठीक है यहाँ पर यूट्यूब पर भी ला देंगे ठीक है ठीक है नोट्स अभी हम डलवा देते हैं ये वाला